मेरे लिए परम योद्धा स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि खासकर यहाँ पर हमारा जो देश के आन बान शान के लिए जो सिपाही, हमारा जो सैनिक बलिदान खुद को कुर्बान किया, हम लोगों का स्टेचू मूर्ति है ना बनाना और उन लोगों को याद करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख सभी का यहाँ पर स्टेचू बना रखा है परमवीर चक्र, जो भी सम्मानित किया गया, जो कि मिलिट्री का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ये परमवीर चक्र, जो सैन्य मिलिट्री ऑपरेशन या वार युद्ध में जो भी शहीद होते हैं, देश की कुर्बान होते हैं, उन लोग के लिए दिया जाता है। और यहाँ पर सभी का यहाँ पर स्टेच बनाया हुआ है और बहुत बढ़िया से तरीके से ये मोनूमेंट्स बना के रखा है। और हाँ, जो भी जिस माता पिता का भी बेटे या बेटी शहीद हुआ है और उन लोग का स्टेचू आके देखता होगा, तो है ना, भले ही शहीद हुआ है लेकिन गर्व भी महसूस करता होगा जरूर। और हम भारत सरकार को भी ये पार्क प्रिजर्व करके रखा है, हम धन्यवाद देना चाहिए, है ना। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह, देखो। तो यहाँ पर चलो, बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी, जितना भी परमवीर चक्र मिला है तो इंडिया गार्ड के इस कॉम्प्लेक्स में गार्डन में सभी का नाम यहाँ पर दर्ज करा है, और जितना भी ऐसे मिलते जाएगा और शायद यहाँ पर जरूर सभी का स्टेचू यहाँ पर मूर्ति बनाया जाएगा। और यू कैन सी एवरीवेयर दैट दोस हु हैव हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्डी, देयर नेम्स आर राइटन इन दिस गार्डन। एंड आप लोग जब भी आएगा जरूर ये देखिएगा, क्योंकि है ना, एक सैनिक है जो देश की सुरक्षा करता है और हमारे लिए बलिदान देता है, तो ये मेरे लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहाँ से रियलिटी गार्डन बहुत ही बढ़िया से प्रिजर्व कर रखा है सरकार ने।